नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जहां पेश हैं राजस्थान की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी और अहम खबर की। आपको बता दें कि बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल पर सीएम का यू टर्न। बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन से जुड़े प्रावधान वाला विवादित बिल गहलोत सरकार वापस लेने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिल को वापस लेने के साफ संकेत दे दिए हैं। 17 सितंबर को ही विधानसभा में शादियों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन बिल को पारित किया गया था। इसमें बाल विवाहों का भी रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रावधान है, विवाद के बाद इस बिल को फिलहाल राज्यपाल ने फिलहाल रोक रखा है। अब सीएम गहलोत ने इस बिल को राजभवन से वापस मंगवाने की घोषणा कर दी है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि खुशखबरी, राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 5 नए जज। राजस्थान हाईकोर्ट को 5 नए जज मिले हैं। फरजंद अली, सुरेश बंसल, अनूप कुमार दंड, विनोद कुमार बरवानी, मदन गोपाल व्यास राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश और फिर राष्ट्रपति के आदेश होने के बाद भारत सरकार की विधि और न्याय मंत्रालय ने इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वहीं अगली खबर की बात करें तो आपको बता दें कि एक दुल्हे की दो दुल्हनें भागी। शादी कराने के नाम पर पड़ोसी ने 14 लाख रुपए ऐंठ लिए। पड़ोसी की बातों में आकर युवक ने खातेदारी जमीन तक बेच दी। उससे मिले 14 लाख रुपए खर्च करके एक एक करके दो शादियां की। दोनों दुल्हन मात्र 3 सप्ताह के अंदर ही युवक के साथ नहीं रही, दोनों एक एक करके फरार हो गई है। पीड़ित युवक ने पड़ोसी के खिलाफ सिरोही जिले के कालंद्री थाने में FIR भी दर्ज करवाई है। युवक पाड़ी का रहने वाला है, उसने जमीन तक शादियों के लिए बेच दी है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि कोरोना की एक बार फिर वापसी। 24 घंटे, आपको बता दें कि 24 घंटे में राजस्थान में 6 नए मरीज मिले हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि मोदी सरकार पर जमकर बरसे सचिन पायलट। कहा, उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं, किसान बर्बाद होने की कगार पर हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट सोमवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का लोकार्पण किया और प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर में लाभार्थियों को आबादी पट्टा, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सॉय चेक, जॉब कार्ड और रोडवेज बस के कार्ड वितरित किए हैं। इसी दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सचिन पायलट ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि सैन्य वाहन से पिता पुत्र की मौत। बेनीवाल ने कहा, मानवता शर्मसार। पोखरण में घटना स्थल पर जारी है धरना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जैसलमेर की घटना को मानवता का शर्मसार करने वाली घटना बताया है। उधर जैसलमेर में हादसा स्थल पर सैकड़ों लोग कल से धरने पर बैठे हुए हैं। शवों का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर है राजस्थान के जैसलमेर जिले से। वहीं राजस्थान की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि अब भाजपा के गले की हड्डी बनेगा वतीलाल, बंद हो जाएगी भाजपा की नौटंकी। आपको बता दें कि नीट परीक्षा में CBI जांच की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कह दी है। नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। अब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस प्रकरण को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि डेंगू बन रहा है जानलेवा। प्रदेश में 7 साल में सबसे ज्यादा 25 मौतें। विभाग के आंकड़ों में सिर्फ 8 ही मौतें हुई हैं। भले ही कोरोना की रफ्तार धीमे होने पर ऑफिस और संस्थान खुल गए होंगे, लेकिन बारिश के बाद एडीज एस्बेस्टाइस मच्छर के काटने से डेंगू वायरस खतरनाक रूप से दिख रहा है, जिसे ब्रेकबॉर्न बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये लोगों को मौत के मुंह में ले रहा है। डेंगू के लगातार मिल रहे मामलों में चिकित्सा विभाग के रोकने के दावे फेल और इंतजाम नाकाबिल साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, झालावाड़ और पाली समेत प्रदेश के 31 जिलों में डेंगू केस 5000 मिल चुके हैं, जिनमें से 25 लोग दम भी तोड़ चुके हैं, लेकिन विभाग के आंकड़ों में सिर्फ 8 मौतें ही हुई हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के 3 जिले बांसवाड़ा, जालौर और सिरोही में डेंगू का अभी तक 1 भी केस नहीं मिला है। चौंकाने वाली जानकारी ये है कि अकेले SMS अस्पताल में अब तक 270 मरीज में से 14 की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। राजस्थान SI भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर यह आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ की बेटी ने बढ़ाया मान। मरुद्रा की युवा बेटी ने राजस्थान की धरती को गौरवान्वित किया है। चित्तौड़गढ़ की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन की प्रमुख बनी है। उन्हें यह सम्मान अगली पीढ़ी की महिलाओं को नेता और गाइड के तौर पर सशक्त करने के लक्ष्य के साथ आयोजित
प्रतियोगिता जीतने पर दिया गया है। ब्रिटिश हाई कमीशन के मुताबिक अदिति एक दिन के हाई कमीशन प्रतियोगिता के भारतीय संस्करण की 5वीं विजेता है। ये प्रतियोगिता आपको बता दें कि वर्ष 2017 से हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आयोजित की जाती है। ये थी राजस्थान की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं इन तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ।